अगर हम इस सर्कल में मूव करते हुए किसी भी पॉइंट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करें, स्क्रीन के साथ अटैच की हुई किसी भी नेचुरल बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है, इसके लिए टाइम पीरियड बताना होगा कि कितने टाइम में उसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, तो इसे ठीक का टाइम पीरियड कहा जाता है। तो जितनी देर में अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसे हम उस चीज़ का टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि ये अपनी फिक्स पोजीशन पर है, जब हम इसे इसकी फिक्स पोजीशन पर ऐसे सम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसे एफ अप्लाइड कहते हैं, जिसे खींचते हैं, तो ये ए एक्सट्रीम पर आता है और ए एक्सट्रीम पर आकर ये दोबारा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स बैठ जाता है अपनी पोजीशन पर, बैठ जाकर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने के बाद दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है। जिस तरह के इस एनिमेशन में है कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास अपने मूवमेंट को बार बार दोहरा रहा है। देखा जाए तो इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्क्रीन पर गया, स्क्रीन से बैक, बैक से फिर कंप्रेस किया और कंप्रेस होने से फिर बैक हो गया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आने और यहाँ से वापस वहाँ जाकर मेन पोजीशन पर आने में एक कम्प्लीट वेवलेंथ ट्रेवल हो जाती है, एक कम्प्लीट टाइम पीरियड टी लगता है। यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाई जाती है तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है और जब ये वापस बैठ जाता है अपनी पोजीशन पे तो हाफ वेव लेंथ कम्प्लीट करता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है, तो एक कंप्लीट लैम्डा ट्रैवल हो जाती है, यानी एक कंप्लीट वेव लेंथ ट्रैवल हो जाती है। और इस एक कंप्लीट वेव लेंथ के लिए एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी लगता है, यानी कि वेव का आधा हिस्सा टी बाय फोर वेव लेंथ में, टी बाय फोर टाइम पीरियड में आधा हिस्सा, और एक आधी वेव टी बाय टू टाइम पीरियड में, और एक कंप्लीट वेव एक पूरे टाइम इंटरवल टी में ट्रैवल होती है। और अगर इस आधे हिस्से की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ये टी बाय फोर में, और ये वाला हिस्सा जो है ये टी बाय टू, और फिर यहाँ पर जब आधी कंप्लीट होती है तो थ्री थ्री बाय फोर, और एक कंप्लीट जो है वो टाइम टी लेती है, एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड टी होता है जब एक कंप्लीट वेवलेंथ ट्रैवल हो जाए। सिमिलरली द केस इज ओवर हियर, जब एक सर्कल में पॉइंट मूवमेंट शो करता है तो हमें मालूम है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, अगर ये पॉइंट टी है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर एन पर बनेगा, और ये प्रोजेक्शन जो है वो अपनी जो पोजिशन है बार बार अपनी मेन इस पॉइंट से आगे पीछे दोहराता है, जिसकी वजह से ये भी जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो हमारे पास एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी में ये भी एक कंप्लीट वेवलेंथ करता है। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जब एक कंप्लीट सर्कल ट्रैवल करता है तब जाके एक कंप्लीट वेवलेंथ बनती है। इस तरह से ये कंप्लीट सर्कल रोटेट करता जाता है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल लाइन पर बनता चला जा रहा है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और इस तरह से वेवलेंथ भी कंप्लीट होती चली जा रही है। अगर आपको याद हो तो हम लोग कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा s is equal to वेलोसिटी इनटू टाइम का रिलेशनशिप लगाते हैं। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि कुल तय करदा फासला हमेशा वेलोसिटी और जितना वक्त दरकार होता है उसके हासिल वर्ग के बराबर आ जाता है। अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये पॉइंट सी जब एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तभी इसका ये जो प्रोजेक्शन है जो बनता है ये कंप्लीट जो मूवमेंट शो करता है अपने मेन पोजीशन के आसपास, अपनी हरकत को एक दोहरा पाता है, और जब वो हरकत को दोहराता है तभी तो एक वेवफॉर्म बनती है जो कि बिल्कुल स्प्रिंग की वेवफॉर्म से कंपेयर रखती है। तो सर्कुलर मोशन के लिए जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात की जाए तो हम एफ को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिचुएशन में मैं अगर इस सब चीज़ों को सर्कुलर मोशन के टर्म्स में लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम पीरियड टी लिखना चाहिए, और मुझे मालूम है कि अगर ये पॉइंट मैं सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट सी ने कंप्लीट एक रोटेशन ट्रैवल की है, और एक कंप्लीट रोटेशन में टू पाई एंगल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर टू पाई इज इक्वल टू ओमेगा और टाइम जो है वो कैपिटल टाइम इंटरवल टी है। और अगर इस स्पेसिस से टाइम पीरियड का रिलेशनशिप निकालें तो टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा आ जाता है। अब हमारे लिए मसला ये है कि इस ओमेगा को फाइंड आउट किया जाए ताकि ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा आसानी से लिखा जा सके। हमें ये तो मालूम है कि स्प्रिंग उसी वक्त मोशन शो करता है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई की जाती है, और एफ अप्लाई करने के बाद इसमें ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये अपनी बैक पोजिशन पर आता है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा अगर एक्शन है तो इन द आंसर ये हमारा रिएक्शन होता है। हमारी जो अप्लाइड फोर्स है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो हमेशा के एक्स इक्वल
और जो हमारी जो स्टोरिंग फोर्स है वो एम इंटू ए के इक्वल है। तो अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालो तो वो माइनस के डिवाइड बाय एम इंटू एक्स है। और अगर सर्कुलर मोशन के लिए मैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालूँ तो लास्ट वीडियो में आपको मालूम होगा कि हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल इसका एक्सप्रेशन निकाला था। अब अगर इस वाले एक्सप्रेशन को, ए वाले एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से जो माइनस के बाय एम इंटू एक्स है से कंपेयर करें तो हमें मालूम है कि जब किसी दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो इसमें उनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होती हैं। अगर इस चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस के बाय एम इंटू एक्स के इक्वल है। इसे लिखने का फायदा क्या है? इसे लिखने का फायदा ये हुआ कि दोनों साइड से जो एक्स एक्स है वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमें ओमेगा का ही तो एक्सप्रेशन चाहिए था, ये माइनस में इस माइनस को भी कैंसल आउट कर दिया और के डिवाइडेड बाय एम जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकल आता है। अब चूंकि हमें स्क्वायर में तो एक्सप्रेशन चाहिए नहीं तो हम आसानी से अंडरवुड लेकर यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो हमारे पास ओमेगा का एक्सप्रेशन आता है वो के डिवाइडेड बाय एम है। तो इस सिचुएशन से स्प्रिंग के मोशन से और सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट के प्रोजेक्शन की मोशन से उनके एक्सेलरेशन को कंपेयर करके हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है। इस ओमेगा की जगह हम इसकी वैल्यू इजीली पुट करके देख सकते हैं कि हमारा टाइम पीरियड किस चीज़ के बराबर निकलता है। तो इसको अगर इसमें पुट किया जाए तो टाइम पीरियड हमारे पास देखते हैं क्या बनता है, डिवाइडेड बाय के बाय एम। और ये डिवीजन में है, डिवीजन के बाद भी एक चीज़ डिवाइड हो रही है तो इसे मैं उल्टा कर यूँ लिख सकती हूँ कि 2 पाई अगर मैं इस तरह से सेपरेटली लिखें तो ये एम डिवाइडेड बाय के पी इक्वल आ जाता है। तो फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन इसका मतलब है कि हमारा टाइम पीरियड बराबर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के के। ये एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट एम और इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट के यानी कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। जो के है वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड हमेशा मैथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट मैथ के और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा और इसका लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है यानी कि टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसी मोशन के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्प्रिंग या सर्कल में मूव करते हुए किसी भी बॉडी के लिए हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगता है उन्हें एक वेव को कम्प्लीट करने में, या अगर उसका मैथ डिफरेंट हो जाए, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिफरेंट हो जाए तो हम इजीली उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं।